हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक भी ठीक ठाक चल रहा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। दोस्तों, आज मैं जो बात करूँगा वह बात करूँगा जो मुर्गियाँ जो पर झाड़ती हैं, पर लैस करती हैं कुरीज की। मौसम जैसे कि आपके यहाँ भी तो बरसात ख़त्म होने के, जब आप जो सर्दी का मौसम जो आने वाला है 1-1.5 महीने बाद जो है सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, जैसे कि 24 सितंबर आज होगी है, तो आप जो है बरसात तो खैर समाप्ति की ओर है, अब आने वाली है सर्दी, तो मुर्गे जो है आपके भी जो है परिंदे वो पर झाड़ रहे होंगे, पर लैस कर रहे होंगे, कुरीज में होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो मुर्गियाँ अपना कुरीज कर पर झाड़ रही हैं, कुरीज कर रही हैं, आप उन्हें अपना आप ही करने दें। ऐसा ना है कि बहुत जो है आप उसे पर उसकी बाजुओं के या पूंछ के जो है पर उसे खींचने लगे, ऐसा आप कतई ना करें, क्योंकि वो ना इतने इतने कम से कम जो हैं इतने इतने जो हैं वो मांस के अंदर गड़े होते हैं बाजुओं में, आप उसे खींचोगे तो एक मुर्गे को जो है काफ़ी तकलीफ होएगी। तो आप जो है ऐसा काम बिल्कुल ना करें, जो स्वयं वो अपना आप घेर देगा, वो अपना आप झाड़ देगा। और जो है मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप जो है अपनी मुर्गियों को मुर्गे को जो है मुर्गे से जो है अलग रखें, जो मुर्गी मुर्गे जोड़ में पड़े हुए हैं, जोड़े लगे हुए हैं, जिनके पैर लगे हुए हैं, उनसे आप जो है मुर्गे को थोड़ा दूर दूरी बना कर रखें, क्योंकि उस वजह ना पर लाने के लिए, चमकदार अच्छे पर लाने के लिए बहुत ही जो उसके जो है विटामिन की और कैल्शियम की जो जरूरत पड़ेगी, आप जो है उसे जो प्रोवाइड कराएं, उसे कैल्शियम दें, जो भी है मल्टी विटामिन दें उसे, है ना, आप इस हर चाहे हरी सब्जियों से चाहे फ्रूट से इस तरीके की जो उसे खुराक जो है दें, उसकी खुराक का ध्यान रखें, ताकि उसके जो है पर जो है जो अपने परों को जो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। और आप जो है उसे इस उसके अच्छे और चमकदार पर लाने के लिए आप जो है कुछ स्पेशल जो है डाइट उसमें शामिल कर सकते हैं, उसकी डाइट में, उसके दाने में, उसकी खुराक में, मुर्गे की जो है आप करना क्या है आपको उसमें जो है आपको सबसे पहले सरसों के बीज लाने हैं, सरसों के बीज, सरसों मतलब सरसों ले लेनी है। और अब जहाँ भी पशुओं का आहार मिलता है, पशुओं का खल, चूरी, बिलौने, जई, जो भी मिलते हैं खलवल पशुओं की, तो वहाँ पे जो है आसानी से इस दुकान पे जो है वो मिल जाएगी आपको मिक्स दाल, जिसमें दाल उड़द, चना, मसूर, सबली दाल जो है उसमें मिक्स होंगी। और मिक्स दाल में आप जो है अपने घर पे ही जो उसे कूट के, छेद के, या उसका दलिया सा बना लें और मिक्स दाल का, क्योंकि उसमें काला चना सब चीज़, कुछ मटड़ा मटर मोटे मोटे होंगे ना, तो आप मिक्स दाल ले आएँ और उसमें मिलाएं सरसों, सरसों के बीज, सरसों के बीज मिलाएं, और आप जो है अपने मुर्गे को जो इस तरीके की डाइट दें, ताकि उसे जो है थोड़ी उसे पौष्टिक मिले, अच्छा पौष्टिक मिले और कैल्शियम भी मिले। इसका जो ध्यान रखें आप, हरी सब्जी, हरे पत्ते वाली घास वास जो भी है उसे इस तरीके की चीज़ दें। और इसके साथ साथ जो है आप उसके एक्स्ट्रा खुराक भी दे सकते हैं उसे, जैसे कि विटामिन सी का या मल्टी विटामिन का ईवीओन के कैप्सूल दे दिया आपने, ईवीओन के कैप्सूल आपने जैसे कि मान लो आप अपने सैटरडे को दिए शनिवार में, तो मंडे नहीं देने, ट्यूसडे नहीं देने, देने 2 दिन छेक के उसे जो दें, हफ्ते में 2 कैप्सूल जो उसे दे दें, ठीक है दोस्तों। तो इससे जो है उसके जो है जो उसमें कमी कैल्शियम की या विटामिन की जो है पूर्ति हो जाएगी। और अपनी मुर्गे मुर्गे को मुर्गियों से दूर रखें, बहुत बुरा इस समय जो है कुरीज में चल रहा है मेरा मुर्गा, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से मुर्गा जो है मेरा वो बहुत ही कुरीज में चल रहा है, आप भी जो है आपके परिंदे भी कहीं ना कहीं इस तरीके से कुरीज में आ रहे होंगे, तो आप भी जो है इस तरीके से डाइट दें और अपने मुर्गे को बिल्कुल फुल परिंद बनाएं सर्दियों से पहले पहले, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में अली नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।